हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला पैटर्न। तो ये पैटर्न बनाने में बहुत आसान है और इस देखने में बहुत ही सुंदर है। जितना बनाने में आसान है उतना ही ये देखने में बहुत सुंदर है। और ये जो है वो सिर्फ 4 सिलाइयों का पैटर्न है। तो इसे आप बच्चों के बेबी सूट, स्वेटर, शॉल, लेडीज कार्डिगन और गर्ल्स के पुलोवर में, टॉप में भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ ये पैटर्न। तो इस पैटर्न को डालने के लिए हमें फंदे चाहिए मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 4। 7 का गुना जमा 4 फंदों पे एडजस्ट होता है। तो 7 का 4 गुना मैंने, सॉरी 7 का मैंने 5 गुना लिया है। 35 जमा 4 फंदे मैंने 39 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ ये पैटर्न। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमने बिना बुने जो है वो फंदा उतार लेना है। फिर 2 फंदे हमने उल्टे बुने और 5 फंदे फिर सीधे बुनने हैं। 3, 4 और ये 5। तो पूरी सिलाई हमने इस तरह बुननी है। एक पहले फंदे को हम छोड़ेंगे, 2 फंदे उल्टे 5 सीधे। तो फिर से रिपीट करती हूँ, 2 उल्टे 5 सीधे। फिर 3 फंदे बचे हैं, इन्हें हमने 2 उल्टे और आखिरी फंदा सीधा बुनना है। तो ये पहली सिलाई डल गई। अब बुनेंगे हम दूसरी सिलाई। तो दूसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने इस तरह उतारा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा जो है वो हमने सिलाई पे इस तरह लपेटना है। फिर अगला फंदा उल्टा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर उल्टा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर उल्टा। फिर पहले फंदे को छोड़ के 7 फंदे जिस तरह बुने हैं वैसे ही हमने रिपीट करते जाना है। फिर से रिपीट करते हैं, 2 फंदे सीधे, लास्ट के 3 फंदों तक हमने इसी तरह रिपीट करना है। उल्टा फंदा बुना, धागा लपेटा, फिर उल्टा बुना, धागा लपेटा, फिर उल्टा, फिर धागा लपेटा, फिर उल्टा, धागा लपेटा और उल्टा फंदा बुन दिया। तो पूरी सिलाई हमने इस तरह रिपीट करते जाना है। अब ये 3 फंदे बचे हैं, तो 2 सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा भी हमने सीधा बुनना है। लास्ट का फंदा हमेशा हमने सीधा बुनना है। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ डल गई। अब डालेंगे हम तीसरी सिलाई। तो अब डालेंगे हम तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई में बिना बुने फंदा उतारा और 2 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने ये फंदे इस तरह उतारने हैं। तो ये हमने जो धागा लपेटा था ये हमने खोलते जाना है। तो ये 5 फंदे इस तरह हम उतारेंगे लेफ्ट स्लाइस से राइट पे। तो ये 4 उतारे और ये 5, और फिर इन 5 फंदों को हम लेफ्ट में ले जाएंगे इस तरह से। और इन 5 के 5 फंदों को फिर हमने बैक से सीधा बुनना है। एक बार बुन दिया फिर हमने छोड़ना नहीं है इनको। फिर हमने इस तरह बुना, फिर धागा लपेटेंगे, फिर दोबारा इसको बैक से ही सीधा बुनेंगे और फिर हम इनको छोड़ देंगे। तो 5 फंदों के हमने 3 फंदे बनाने हैं। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ,
दो फंदे उल्टे बुने और ये पांच फंदे हमने पहले राइट पे ले आए इनको खोलकर, ये देखिए इस तरह से, फिर ये पांच के पांच फंदे लेफ्ट में ले गए और फिर इनको बैक से सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर दोबारा बैक से इन्हीं पांच फंदों को सीधा बुना और पांच के तीन बना दिए। फिर से रिपीट करेंगे दो फंदे, पूरी सिलाई इस तरह रिपीट करनी है लास्ट के तीन फंदों तक। तो दो फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे ये हमने खोल दिए इस तरह से और इनको लेफ्ट में ले गए, फिर बैक से इनको एक बार बुना सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर दोबारा सीधा बुना और पांच के पांच फंदे छोड़ दिए। तो फिर से हम रिपीट करेंगे दो फंदे उल्टे और पांच फंदे जो थे वो हमने खोल दिए और राइट पे शिफ्ट कर दिए लेफ्ट से इस तरह, और फिर राइट से लेफ्ट में ले गए और इन पांच के पांच फंदों को बैक से फिर हमने सीधा बुना। तो इस तरह से लपेटा, फिर बैक से एक सीधा बुन दिया। तो अब तीन फंदे बचे हैं, तो इनको हमने दो फंदों को सीधा बुनना है और लास्ट का दो फंदों को सॉरी उल्टा बुनना है और लास्ट का फंदा सीधा बुन दिया। तो ये डल गई हमारी तीन सिलाइयाँ। अब बुनेंगे हम चौथी सिलाई। पहला फंदा बिना बुने उतारा और दो फंदे सीधे बुने। अब हमने धागा सिलाई पे लपेटना है, तो धागे को हम ऐसे अपनी तरफ को ले आएंगे और फिर हम इसको इस तरह लपेटेंगे और ये तीन फंदे हमने बैक से फिर उल्टे बुनने हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। फिर धागा बाहर को ले जाएंगे और फिर सिलाई पे लपेट देंगे। तो हमने ये सात फंदे जिस तरह बुने हैं, पहले फंदे को छोड़कर सात फंदे जिस तरह बुने हैं, पूरी सिलाई इस तरह रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ को लाएंगे, फिर सिलाई पे लपेट देंगे और तीन फंदों को बैक से बुनेंगे उल्टा। ये इस तरह तीन फंदे बैक से बुने, धागा बाहर को ले गए, फिर लपेटा सिलाई पे। तो हम फिर से रिपीट करेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को लाए, सिलाई पे लपेटा और तीन फंदे जो हैं वो बैक से उल्टे बुने। फिर धागा बाहर को ले गए और फिर सिलाई पे लपेटा। लास्ट में अब तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदे सीधे और लास्ट का फंदा हमेशा की तरह हमने सीधा बुनना है। तो ये चार सिलाइयों का पैटर्न था, बहुत आसान पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं देखने में ये कितना प्यारा लग रहा है और ये आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बच्चों की शॉल में, लेडीज कार्डिगन में और गर्ल्स के पुलओवर में, टॉप में, किसी भी चीज़ में आप डालिए, बहुत प्यारा पैटर्न है। आपको ये पैटर्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए और अगर आपको ये पैटर्न, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में बेल आइकन होगा उसको हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके, तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।